हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? सर, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। वेलकम टू किंग रिसर्च एकेडमी। कल की बात आज एपिसोड नंबर 134, राइट? थैंक यू सो मच अगेन इतना सारा इस एपिसोड को प्यार देने के लिए। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आपको एडवांस में निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स बताने की कोशिश करते हैं। और गाइस, याद है कल आप लोगों ने अगर देखा होगा, मेरा कल निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल्स एक ही मंत्रा से आया था। बैक टू बैक 6 दिन से निफ्टी गिरी पड़ी थी, बैंक निफ्टी गिरी पड़ी थी, मार्केट में ब्लड बात हो रहा था और हम लोग क्लियर कट आपको गोल थ्योरी बताते हैं। एक्चुअली में कल रिकवरी आनी थी, आज मार्केट में रिकवरी आ गई और मॉर्निंग में ही मैंने आपको अपना ऑप्शंस का ट्रेड जिसमें 1000 क्वांटिटी बाई करी थी और ओनली 277 के रेट पे बाई करी थी, जो कि 1150.53 तक का हाई मार के आया है। मॉर्निंग में बाई करके बैठा था, क्लियर कट मैं पहले ही बैठ गया था। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मच ऑफ रैली, लेकिन काम तो किया है बॉस। क्या हम लोगों ने आपको एडवांस में बोला था, क्या थॉट प्रोसेस देने की कोशिश करी थी, टाइम गोल थ्योरी कल के वीडियो में कुछ बताने की कोशिश करी थी, यस और नो? आइए जान लेते हैं दोबारा। कल आपको आज जिस तरह की रैली आई, आज जिस तरह की बंपर रैली आई है बैंक निफ्टी में, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट हमारी ही स्ट्रैटेजी में मिले हैं। अगर आप मेरा कैमरेला स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो, आइए मैं आपको स्टॉक सिलेक्शन विद निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स के साथ दिखाता हूं। आज जरा दिल थाम के बैठेगा, क्योंकि प्यार आपने दिया है तो मैं दिखाना चाहता हूं कि मैंने शिद्दत से दिल से आपको क्या देने की कोशिश कर रहा हूं। बस बिलीव करना है, पैसा अपने आप बन जाएगा। तो मैं दिखाने से पहले कल दिखा देता हूं कि कल मैंने क्या बोला था आप लोगों को। विल एक्ट एज अ हर्डल 14870 एक हर्डल है ऊपर का। अगर इसके ऊपर जाता तो ही बाई करने का सोचना है, और अगर इसके नीचे रहता है बिलो 14670 देन ओनली थिंक फॉर द सेल। नहीं आया, 870 के ऊपर गया। आप देखना चाहते हो निफ्टी कहां तक गया, आइए मैं आपको दिखा देता हूं निफ्टी का लेवल। निफ्टी 50 लगाया आपके लिए, ठीक है, 870 के ऊपर, राइट? किधर है 870? ये रहा 870। 870 के ऊपर मेड हाई 15,000, 130 पॉइंट्स। देखो बैक टू बैक नॉन स्टॉप रॉकेट बना है, लेवल्स इसको बोलते हैं। इसमें मजा आता है ट्रेड करने में। अच्छा, बैंक निफ्टी भाई, इसमें भी बोला साफ साफ, यस नो डाउट, ओनली फ्यू बैंक्स कंट्रोलिंग बैंक निफ्टी, बट टोल्ड यू मार्क माई वर्ड, सेलिंग फ्रॉम अनवांटेड लेवल, इट मीन्स समथिंग कुकिंग वेरी बिग और बिग बिग रैली ऑन कार्ड। समझ रहे हो लैंग्वेज? नहीं समझ में आ रहा, 10 दिन प्रॉपर फॉलो करो, समझ में आने लगेगा। क्योंकि हो सकता है आप मेरे लिए नए हो, आप मेरे को पहली बार देख रहे हो, थोड़ा सा तकलीफ होगी, इसलिए बोला था पेन एंड कॉपी लेके बैठना। अभी भी नहीं बैठा है, पॉज करो वीडियो को, कॉपी पेन लेके बैठो, थोड़ा सा होमवर्क करो, पैसा बनाना है, रात को बही खाते में मेहनत तो करनी पड़ेगी। आइए देख लेते हैं कल की बात, आज यानी कि आज कल क्या करने वाले हैं। वेडनेसडे को बात करेंगे कि बॉस थर्सडे को हम लोग किस तरीके से करेंगे, कल एक्सपायरी भी है, बिल्कुल क्रूशियल इंपॉर्टेंट है। आई एम एक्सपेक्टिंग कल ये एक शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए थी, 5 दिन की रैली, कल शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट कर रहा था मैं, लेकिन आज ही आ गया है। तो कल की क्या रणनीति होगी, क्या ठोकना है, आ जाओ। लास्ट 14,996 टोल्ड यू निफ्टी 870 के ऊपर रिलैक्ट सा अपर हर्डल लेवल, वो टूटा, उसके बाद आपने देखा 130 पॉइंट्स का मूवमेंट है, रात को ही वीडियो आप लोग के पान में डाल दिया था। यस नाउ फ्रेश अपर हर्डल 15,170, अब ऊपर का जो इमीडिएट हर्डल है 170 पॉइंट और ऊपर, यानी कि 15,170 का ऊपर का लेवल है, 15,247 का ऊपर है, बाइंग नहीं करना है, ओनली थिंग फॉर द सेल। ऊपर का ये हर्डल्स है, अगर इन लेवल्स के आसपास आता है तो भी इसके ऊपर सेल करने की कोशिश करो। हाँ, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग बेसिस पे बैठ जाता है 5 से 10 मिनट, तब क्या करना है, अपना ट्रेड अगर लॉस भी हो रहा है तो बुक करना, बाइंग साइड पे बैठ जाना। भैया समझदार को इशारा काफी, शादी नहीं करनी है कि सर ने बोला था सेल तो सेल ही करना है भाई, नेगेटिव रिवर्स हुआ तो अपोजिट मार दो ट्रेड, इंटेलिजेंट बनो, इंटेलिजेंट, राइट?
Now fresh upper hurdle 15-170, 15-247. Yes, go short. We'll see panic up to 14-870, 14-830. दोबारा 130, 140, 150 points के लिए नीचे बैठ जाएंगे. Yes, no means no buy. Okay. मैं आपको दिखाना चाहता हूं बैंक निफ्टी के लेवल लास्ट क्लोज 36,537. आज हमारी पावरफुल सेटअप में आप खुद देख लो, क्लियर कट आपको मेंशन किया गया था भैया समथिंग कुकिंग वेरी बैड. अच्छा हिंट दी क्या निफ्टी बैंक निफ्टी आज हमने एक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्ट्रेटेजी दी है, फ्री ऑफ कॉस्ट जिसका किस तरीके से स्टॉक सिलेक्शन करते हैं क्या है सब चीज बताइए, एवरीथिंग बताइए, ध्यान से समझिएगा. तो नाउ गो शॉर्ट 36,870, 36,256 का लेवल. गो शॉर्ट विल सी पैनिक अप टू 36,256, 35,870 का, यानी कि 1,000 पॉइंट के अब नीचे तक के भी लेवल इसमें एक्सपेक्टेड है. तो मैं कल की रणनीति मेरी रहेगी अगर मेरे लेवल्स मिलते हैं यानी कि 36,870, 36,257, 256 के आसपास, तो मैं सिर्फ सेल करने का सोचूंगा, एक डेड कैट अकाउंट्स पर ठोकूंगा और कल एक्सपायरी है. तो थोड़ा सा अपना ध्यान से ट्रेड करना, बिल्कुल ध्यान से ट्रेड करना भैया, क्योंकि पैसा आपका, रिस्क आपका, मनी आपका. तो एज एमएस हैवी रिसर्च रिसर्च एनालिस्ट डिस्क्लेमर देना चाहूंगा भैया, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस करने के बाद ही ट्रेड करना, रैंडमली मेरे कॉल्स पर ट्रेड मत करिएगा प्लीज प्लीज प्लीज, क्योंकि मेरा रिस्क मेरा प्रॉफिट सब कुछ मेरा है, तो मैं अपने हिसाब से कर लेता हूं. ये देखो भाई निफ्टी फ्यूचर्स 200 पॉइंट अप इन आवर कैमरेला स्ट्रेटजी. रात को भी बोल दिया था और मॉर्निंग में ही 5 मिनट में आपको स्टॉक सिलेक्शन का मेथड बताया. विद इन 5 मिनट्स यू विल गेट स्टॉक्स, यू विल गेट स्क्रिप्ट, किन स्क्रिप्ट में काम करना है. सोचो 5,000 स्टॉक में आपको सुबह ही सुबह कुछ चंद स्टॉक्स मिल जाएंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स में ट्रेड करने का सेटअप मिल जाएगा. फिर बोल रहा हूं टेक्निकल एनालिसिस जो करते हैं या जो सीखे हैं भाई सब अच्छा है, लेकिन वो तो सबको पता है, आपको क्या एक्स्ट्रा पता है, दैट इज इंपॉर्टेंट. साइकोलॉजी डेवलप करो, आओ 200 पॉइंट्स कैमरेला स्ट्रेटेजी में निफ्टी एंड 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी में. क्या मैं सच बोल रहा हूं क्या मैं गलत बोल रहा हूं, मेरी मत सुनो, अपनी तो सुनोगे, अपने आंखों से तो देखोगे. आइए और ये मेरा स्क्रीनशॉट जो बैंक निफ्टी 35,400 का कॉल मैंने सुबह ही बाई कर लिया था, सुबह सुबह ही आपको स्क्रीनशॉट भी भेज दिया है. 277 पे बाई किया, उसका 1133 का ही बारा जैकपॉट, 3.5 लाख रुपए का हम लोग का एमटीएम भी मैंने आप लोगों को टेलीग्राम में शेयर कर दिया. जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है क्या करना है, इमीडिएट बेसिस पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम है, ज्वाइन कर लेना. डोंट मिस अवर फ्री कॉल्स, फ्री ऑफ कॉस्ट. वहां पे सीपीआर का स्टॉक सिलेक्शन, कैमरेला का स्टॉक सिलेक्शन देता हूं. आइए मैं लेके चलता हूं आपको दोबारा. सर अगर आप मुझे सीरियसली फॉलो करते हो तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं. आओ, ये मेरा टेलीग्राम है राइट. सुबह सुबह मार्केट 9:15 पे खुला, आप लोगों के लिए मैंने स्टॉक सिलेक्शन की लिस्ट दे दी थी. देखो टुडेज कैमरेला स्टॉक सिलेक्शन, मैं खुद आपके लिए स्टॉक सिलेक्शन, हमारी टीम आपके लिए स्टॉक सिलेक्शन करके एडवांस में आपके थाली में परोस के स्टॉक रख देती है कि भैया ये लो, इन 5,000 शेयर में से ये स्टॉक्स इस स्ट्रेटेजी के अंदर आए, अब आपकी जिम्मेदारी है इस पे कैसे ट्रेड करना है. उसका भी वीडियो प्लीज यूट्यूब डालिए, ठीक है. उसके बाद यहां पर लिखिए कैमरेला स्ट्रेटजी किंग रिसर्च, डबल ए हो गया, कोई बात. ये देखो जिसमें आपने 2 लाख के ऊपर हमें प्यार दिया हुआ है, इतना देखा हुआ है भाई, इसको हल्के में मत लेना सर, प्लीज प्लीज प्लीज, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं. दिल से स्ट्रेटजी दी है, मेरी नियत बहुत क्लियर है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत कुछ दी है, 12-13-15 स्ट्रेटजीज दी है, बस आपको किसी एक स्ट्रैटेजी को पकड़ना है जो आपको समझ में आए, सब पावरफुल है. इसी स्ट्रैटेजी को जाके जरूर देख लेना मेरे बड़े भाई, इसी स्ट्रैटेजी में मैं आपको ये स्टॉक सिलेक्शन देता हूं. एसीसी, अपोलो टायर, ऑरो फार्मा, अभी देखते हैं आपके सामने स्टॉक सिलेक्शन, देखना मजे से. पहले मैं निफ्टी बैंक निफ्टी दिखाता हूं, क्या ये कैमरेला में 200 पॉइंट आए हैं भाई, देखो कल जाके देखना. ये R4 है, ये R3 है, ये S3 है, ये S4 है कल का, आज R4 R3
S3 S4 इसका सेटिंग भी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बना के दिया हुआ है वीडियो में, उस वीडियो में बताया हुआ है, प्लीज जाके इस वीडियो को आज का आपका होमवर्क है ये जरूर करिएगा। फ्री रात को जब फ्री हो तब तसल्ली से बैठ के करिएगा, कॉपी पेन लेके भगम भगाई में भागे भागे भाग जाओगे। ठीक है, ये देखो सर R4 के ऊपर बाई करना होता है, आपने R4 के ऊपर बाई किया, कंडीशन बता रखी है 14,850 के ऊपर आपकी बाइंग आई। ठीक है, 850 के ऊपर, यस ये वाला 14,840 रुपए के आसपास आपकी बाइंग आई है, उसके बाद 15,000 का ऑलमोस्ट 150 पॉइंट डांसिंग इन आवर ट्यून। जब जब आएगा प्रॉपर फॉलो करो, खुद बैक टेस्ट करो, स्ट्रेटेजी को आपको समझ में आएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आपसे बात करना चाहता हूं निफ्टी बैंक की। ये देखो भाई कंडीशन R4 के ऊपर 35,550 के ऊपर बाइंग आया और देखो 36,550 1000 पॉइंट इंट्राडे वन मूव। बड़ा सोचोगे तो ही बड़ा मिलेगा, नहीं तो लगे रहो वही 2-3 हजार रुपए मिल गया, हे भगवान आज 2-3 हजार रुपए कमा लिया। अबे बुक कर प्रॉफिट बुक करने के चक्कर में मत पड़ो, लॉस बुक करने के चक्कर में पड़ो। मैंने आपको ऑलरेडी एक बहुत बड़ा वीडियो 4-5 घंटे का वीडियो जिसमें मैंने लॉस किया है और 99% लूजर्स 99% रिटेल ट्रेडर्स वही गलती करते हैं। प्लीज जाके मेरा वो वीडियो भी देखना जिसमें 6.5-7 लाख रुपए का लाइव ट्रेड करके मैंने आपको यूट्यूब में दिखाता हूं, मैं वो वीडियो भी दिखाता हूं आपके लिए, मैं वो भी मेहनत करने को तैयार हूं भाई। फर्क ये नहीं पड़ता, ये देखो क्लियर है बॉस, डरना नहीं है सर, आई एम अ प्रोफेशनल ट्रेडर राइट। एंड में M2M बोलता है, मंथ एंड में आई विल शो यू माय M2M। देखो ये वीडियो 6,27,000 रुपीज का नेट लॉस लाइव ट्रेड करके दिखाया, जरूर देखने का, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस लाइव वीडियो में जो कि अच्छे अच्छे लोग आपको नहीं दे पाएंगे। इवन मैं बात करूं एक भी बंदा इस तरीके का वीडियो नहीं देगा। ओपन चैलेंज, यस लॉस हुआ है, लाइव ट्रेड करके दिखाया है, एक एक सिंगल ऑर्डर एग्जीक्यूट आपके सामने करके दिखाया है, ऐसा नहीं कि रिकॉर्डिंग बना दिया और डाल दिया, लाइव है, दिमाग लगाना, लाइव दिखा रहा हूं। नोबडी, अभी तक यूट्यूब में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो आपको लाइव दिखा दे, रिकॉर्डिंग दिखा देंगे, दिमाग लगाना, फिर से मैं बोल रहा हूं, बाकी आप समझदार हो। जो ट्रेडर है ना डरता नहीं है ट्रेडिंग से, आई लव ट्रेडिंग, रोक सको तो रोक लेना, बहुत जल्दी 7-8 लाइव लेक्चर, कितना M2M बनाए कितने दिन में आई विल शो यू, नो वरी एट ऑल, जस्ट वेट एंड वॉच एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। और अगर वाकई में आपको मैं समझ में आता है सर, हिट करो लाइक बटन को इमीडिएट बेसिस पे। ये देखो सर 1000 पॉइंट की रैली। एनीवे अब ये जो स्टॉक सिलेक्शन है ACC, अपोलो टायर, अपोलो ऑरो फार्मा, थोड़ा लंबा वीडियो, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखो मैंने ये ACC आया, ठीक है ये देखो ACC लगाता हूं, देखो फटाफट करेंगे ACC R4 के ऊपर बाइंग आया 1722 से मेड हाई 1744, फैंटास्टिक। अपोलो टायर की बात करता हूं मैं, ये देखिए अपोलो टायर बाई आया 235 से मेड हाई 241। ऑरो फार्मा एक एक दिखा रहा हूं, कोई छुपाना नहीं है, ऑलरेडी एडवांस में स्टॉक सिलेक्शन आपको दिया है मेरे बड़े भाई। क्या ट्रेड आया R4 के ऊपर? नहीं आया, ट्रेड करना है नहीं करना है छोड़ देना है। ओए होए आज देखो PSU बैंक सारे फटे हैं, सारे के सारे PSU बैंक और बैंकिंग काउंटर्स फटे हैं, तो भाई बोलने वाली बात ही नहीं है। लुक एट 728 से मेड हाई 754, क्या चाहिए? मेहनत करनी है बॉस, बिना मेहनत कुछ नहीं मिलेगा, ये तो गीता में भी लिखा है, मेहनत करे बिना कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन दिक्कत यहीं से स्टार्ट होती है, आप मेहनत नहीं करना चाहते हो, कभी मुझे फॉलो कर लेते हो, कभी पड़ोसी को, कभी किसी और को, कभी किसी और को, एवे स्विंग होते हो, कभी इधर पलटी मारते हो, कभी इधर मारते हो। एक ही काम करना है, जो आपको समझ में आता है ना सिर्फ उसको फॉलो करना है, बाकी सबको ब्लॉक मार दो। सही बता रहा हूं मैं आपको,
रामबाण दे रहा हूं, मैं समझ में आता हूं मुझे फॉलो करो बाकी को ब्लॉक मारो, कोई और समझ में आता है सिर्फ उसको फॉलो करो बाकी को ब्लॉक मारो, रामबाण बता रहा हूं सर, नहीं तो सब लोग यूट्यूबर अपनी दुकान खोल के बैठे और सबकी दुकानें चल रही है, सब कचरा पट्टी दे रहे, कभी इधर फ्लिप मारते हो कभी उधर मारते हो कभी इधर जाते हो, पैसा नहीं सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा और मन में जो है ना कॉन्फिडेंस वो खत्म होता चले जाएगा, कटता चले जाएगा। देखो बजाज फाइनेंस आर फोर के ऊपर बाई, देखो 5470 से मेड हाई 5570, 100 रुपए 2% की मूवमेंट, आपके सामने स्टॉक सिलेक्शन दे दिया था, आपके सामने फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे स्कैनर यूज करना है, किस तरह से स्टॉक सिलेक्शन करना है, क्या स्ट्रेटेजी है, सब चीज दिया है। मैं उनमें से नहीं आधी स्ट्रेटेजी बोलूंगा, फिर आधी बोलूंगा मेरी क्लास में आना मैं आधी स्ट्रेटेजी का स्टॉक सिलेक्शन वहां दूंगा, या फिर ये स्कैनर मेरी क्लास ज्वाइन करना तब दूंगा, मैं उनमें से नहीं हूं कि यार रिकॉर्डिंग बना के प्रॉफिट बनाया तो रिकॉर्डिंग बना दिया, नहीं भैया आज भी प्रॉफिट बनाया, आज भी रिकॉर्डिंग डाल सकता था लेकिन डाला नहीं है बॉस, लाइव ट्रेड करने में जो मजा है ना अकेला। एनीवे आइए, आपको लग रहा होगा बोल बच्चन है, यस थोड़ा सा करने दो यार बोल बच्चन, मेहनत करता हूं तो बोल बच्चन तो बनता है, आप ही के लेके मेहनत कर रहा हूं। 330 से मेड हाई 338 बंधन बैंक, लुक एट दिस डाबर स्टॉक सिलेक्शन इन एडवांस, लुक एट दिस डाबर 504 से 506, उसके बाद क्या हुआ R3 पे हमारा स्टॉप लॉस, कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस 504 से 502, 2 रुपीस का स्टॉप लॉस दे दो। यू शुड नो व्हाट इज SRM स्ट्रेटजी ऑफ किंग रिसर्च, नहीं मालूम है जाके आज ही देखना, होली ग्रेल स्ट्रेटजी है, एक लौती ऐसी स्ट्रेटजी है उसके बिना मार्केट से पैसा नहीं बना सकते, दिस इज कॉल्ड SRM स्ट्रेटजी। डॉक्टर रेड्डी देख लो आया क्या, नहीं आया छोड़ दो। IDFC फर्स्ट बैंक, ओए ओए बैंक की तो बात ही मत करो सर, बैंक की तो बात, आया क्या, नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन बैंक भाई आज क्या चले यार, दिल खोल के पैसा दिया है। इन्फोसिस नहीं आया, LIC हाउसिंग फाइनेंस आया क्या, सुबह सुबह 5 मिनट में आ गया था, क्या कर रहे थे, कभी इसको फॉलो कर रहे थे कभी उसको कॉमेडी कर रहे थे कभी इसको देख रहे थे कभी उसने 5 लाख बनाया, अरे बाप रे वो तो अपना वीडियो पेल गया आपको और आप उसी में लगे रह गए, क्या आपने पैसा बनाया देख के, आप मुझे एक बार बताओ, दिल से पूछना चाहता हूँ सर मुझे बताओ, आपने मेरे से ज़्यादा स्ट्रैटेजी आपको मालूम है कि नहीं है, मेरे को तो सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी मालूम है, आपको पूरे दुनिया सारे यूट्यूबर की स्ट्रैटेजी मालूम है, स्टिल आप पैसा नहीं बना पा रहे, दिक्कत पता है क्या है, स्ट्रैटेजी में नहीं है, हर स्ट्रैटेजी काम करती है, दिक्कत आप में है, आपको बिलीव करना है अपनी स्ट्रैटेजी पे, जिसको भी आप प्रॉपर मानते हो फॉलो करते हो उसको एग्जीक्यूट करना है सही तरीके से, पैसा झक मार के आ जाएगा, झक मार के आ जाएगा। आप देखो सर 437 से मेड हाई 446, 10 रुपए का मूवमेंट 2.5% का LIC में, मैरी को अच्छा आज चल गया इसलिए मैं ज़्यादा चौड़े में बात कर रहा हूँ, नहीं भाई मैं डेली स्टॉक सिलेक्शन देता हूँ, होमवर्क तो करो डेली बेसिस पे, देखो क्या लूप होल है, अगर नहीं चल रहा है क्यों नहीं चल रहा है, इसमें कुछ आप अपना दिमाग लगा सकते हो क्या, कुछ और R&D कर सकते हो क्या, खुद भी तो लगाओ थोड़ा सा दिमाग, क्योंकि भाई ये स्ट्रैटेजी देखो मेरा स्ट्रैटेजी मेरे को मालूम है तो इसलिए आपको कम से कम 10-15 दिन मुझे प्रॉपर फॉलो करोगे तब आप एक सिंक कर पाओगे मेरे साथ कि मेरा थॉट प्रोसेस क्या है, तभी आपको मेरी चीज समझ में आएंगी, नहीं तो वही कचरा पट्टी लगेंगी। ये स्टूडेंट ग्रुप है सर इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट चार्ट्स बना के भेज रहे हैं, और ये देखो R4 254 से मेड हाई 257, परसेंटेज आप खुद कैलकुलेट कर लेना मेरे बड़े भाई। PFC एक एक स्टॉक बता रहा हूं, एक एक स्टॉक बता रहा हूं, नहीं आया छोड़ दो। आया क्या, नॉट इंटरेस्टेड। PNB आया तो था 41 के आसपास आया था, 42 के आसपास आया था, 42 से 50 पैसे नीचे गया फिर वापस आके वहीं क्लोज आ गया, नॉट इंटरेस्टेड। बाकी PVR, RBL, REC, SRF, TCF, टेक महिंद्रा, यस बैंक, रिलायंस, जील, ये आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं,
प्लीज आप होमवर्क करिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि सुबह के कॉल जो हम देते हैं मजा आता है कि नहीं आता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो आप लोगों के साथ हम मेहनत कर रहे हैं, क्या दिल से हमारी कोशिश सही है या गलत है, प्लीज फीडबैक जरूर दीजिएगा, जिससे कि जो नए लोग हैं उनको उस फीडबैक से समझ में आएगा कि इनको किंग रिसर्च को प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है नहीं करना है, या इनकी जो इंटेंशन है, इनकी जो कहते हैं ना शिद्दत है, इनकी जो नियत है वो क्या है, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टिल देन थैंक यू सो मच गाइस, प्यार इसी तरीके से बनाए रखिए, और हाँ कल की बात आज जो मैं डालता हूँ इसको मिस मत करा करो मेरे बड़े बहन, एक ही रिक्वेस्ट है, इस एपिसोड को मिस मत करना, क्योंकि अगर इसे मिस किया फिर बोल रहा हूँ पैसा कहाँ से बनेगा मुझे भी नहीं पता। बिलीव योर सेल्फ, प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करो, कैमरेला स्ट्रैटेजी आपको दिए वो देखो, SRM स्ट्रैटेजी वो देखो। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप ऑपरेटर साइकोलॉजी समझना चाहते हो कि बड़ा आदमी कैसे थॉट प्रोसेस 60-70% साइकोलॉजी काम करते हैं, 20% स्ट्रैटेजी काम करते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी 10-12 दी भी है, अगर 60-70% जो साइकोलॉजी है, बड़ा आदमी कैसे सोचता है, थिंक लाइक अ बिग शार्क, अगर वो सीखना चाहते हो ज्वाइन करो। यस, फ्रॉम प्रोफेशनल ट्रेडर से आपको सिखाया जाएगा, लाइव मार्केट में चार्ट आपके एनालिसिस करे जाएंगे और देखे जाएंगे, बताए जाएंगे कि आपने सही बनाया गलत बनाया। हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा, 6 मंथ्स का मेंटरशिप सपोर्ट मिलेगा, प्राइवेट ग्रुप एक्सेस मिलेगा, जहां पे आपके चार्ट्स पे आपके डाउट्स क्लियर करे जाएंगे। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, और हाँ अपने मम्मी पापा का, क्योंकि वो हैं तब हम हैं। बाय बाय।